उतरो साहब, बस खोटी मत करो, उतरो उतरो। हम कितनी देर से खड़े हैं? आप स्टैंडिंग अलाउड नहीं है, उतरो। एक आदमी ले जाने में क्या बिगड़ता है? आप हमारी नौकरी चली जाएगी, उतरो साहब, उतरो उतरो। तुम हमारा आंख को हाथ क्यों लगाता है? सुअर का बच्चा, सुअर का बच्चा बोलता हूँ। अरे बड़ी कड़की है, कुत्ते की मौत मरोगे अगर बंबई में पैसा नहीं है तो, समझे? क्या हुआ रघु? नौकरी गई यार। तीना तीना तीना, बाद में साहब का दो आना दो आना दो आना। एक पैसा तो बाबूजी, एक पैसा, एक पैसा, एक पैसा बाबूजी। चलो चार आने, ये हमारे चार आने की कॉपी, चार आने की कॉपी, चार आने की कॉपी, चार आने। पैसा बाबू, पैसा बाबू, पैसा, पैसा लो साहब। चार चलाने, तीन रुपए का दर्जन, तीन रुपए का दर्जन, चार आने, चार आने। ये लो इसे अठन्नी हुआ पैसा, ये लो पैसा बाबू, पैसा मयूरे का गजरा, तीन आने, तीन आने, तीन आने, मयूरे का गजरा, तीन आने, पैसा पैसा बाबू, पैसा। सवा करो, सवा करो, सवा करो, सवा करो। क्या सवा करो? फिल्म का टिकट सवा रुपए का, दो रुपए का। सवा करो, सवा करो, सवा करो, सवा करो, सवा करो, सवा करो, सवा का दो, सवा का तीन, सवा का तीन, सवा का तीन, सवा का तीन, सवा का चार, 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 सवा का पांच रुपया, सवा का पांच रुपया, पांच रुपया, पांच रुपया, पांच रुपया, सवा का पांच रुपया, सवा का छह 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 रुपया, सवा का सात, सवा का सात, सवा का सात रुपया, सात रुपया, सात रुपया, सात रुपया, सवा का साढ़े सात, सवा का साढ़े सात, सवा का साढ़े सात, सवा का साढ़े सात, सवा का आठ रुपया, सवा का आठ, सवा का आठ, सवा का दस रुपया, सवा का दस रुपया, सवा का दस रुपया, सवा का दस रुपया। पैसा बाबू, पैसा, 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 पैसा बाबू, पैसा, 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 पैसा बाबू, पैसा, पैसा, पैसा बाबू, पैसा, पैसा, पैसा। Thank you.
वकील साहब पूरे 5,000 रुपया है ना? जी हाँ, पूरे 5। नंबर 30। ऐसे होने चाहिए जैसे जैसे रातों को शहर के फुटपाथों पर पड़े रहते हैं, भूखे नंगे बेघर बेकार। लोगों ने कहा था बंबई जाओ तो लिबर्टी सिनेमा अंदर से जरूर देखना, लेकिन साहब यहाँ तो बाहर खड़े होने की जगह नहीं है। ये ऐसा हो सकता है कि महबूब मियां की फिल्म और पहले दिन न देखी? अरे यार कभी हो सकता है फिल्म को टिकट न मिले। कोई गाना चला नहीं, अबे पिक्चर चलने दे, गाने दौड़ेंगे दौड़ेंगे, कहीं उड़ ना जाए। प्रसाद मियां के म्यूजिक के बारे में कुछ बोला तो दूंगा जोर से। कुमकुम आ जाए तो बंदा 50 रुपए भी खर्च करके अंदर जाएगा। एक माँ की कहानी देखना चाहिए।
₹10 ₹10 ₹10 में कोई नहीं खरीदेगा, भाव घटा दो। कालू, इस शहर में बहुत से बेवकूफ हैं और उनके पास बहुत पैसा है, भाव बढ़ेगा घटेगा नहीं, समझे? आदमी को इंतजार करो। अरे कौन है आपको डाला है? कौन है? मेरे बटवा, बटवा मेरी, बटवा। एक दिनों जल्दी बुलाऊं पुलिस को। बुला देखो, पहले तू भी जाओगे? मैं काम करेगा हमारे साथ? क्यों नहीं, जहां पैसा वहां हूं। चार टिकट जल्दी से दीजिए, पीछे शुरू हो रही है। कालू, सर जी 15-15 की चार मिनट के लिए जी। तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो। अच्छा, अरे मारो निकलो सोना बोडी आ भी गयो फसी जाओ। पार्टनर इधर आ जाओ, अभी गर्दी बहुत हो गया। पुलिस का ख्याल रखना। रवि साहब, रवि साहब, पागल माँ पूछेंगे तो कह देंगे पैसे दिए। हाँ, महबूबिया कुत्ती ना खबरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अच्छा, मशीन आ रहे आओ, पंगा कर दो और जरा पुलिस से बच के। ₹15 20
रुपए बीस रुपए खाली पाँच टिकट रह गए पाँच चार तो अपन लोग देखेंगे या सुनो भाई लोग हाँ जी टिकट रह गया एक जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसी को मिलेगा पच्चीस पच्चीस में देता अपने तीस चालीस अरे पैंतालीस अरे पचास अरे साल साल क्यों किस किस करते हैं सूरज के जैसे बुलाई बुलाई चंदा सी ठंडक भी पाई ठंडके तो प्यारे दुहाई तेरी धूम हर कहीं दूसरा यार कोई नहीं हमको तो प्यारे तू सबसे प्यारा ले 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 तेरी धूम हर कहीं दूसरा यार कोई नहीं हमको तो प्यारे तू सबसे प्यारा ले 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 तेरी धूम दुनिया की गाड़ी का पहिया तू चोर तू ही सिपहिया राजा का राजा रुपया दुनिया की गाड़ी का पहिया तू चोर तू ही सिपहिया राजा का राजा रुपया लै 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 तेरी धूम हर कहीं तुझसा यार कोई नहीं हमको तो प्यारे तू सबसे प्यारा लै 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 तेरी धूम बूढ़ों की तू ही जवानी बचपन की दिलकश कहानी तेरे बिना दूध पानी बूढ़ों की तू ही जवानी बचपन की दिलकश कहानी तेरे बिना दूध पानी लै 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 तेरी धूम हर कहीं तुझसा यार कोई नहीं हमको तो प्यारे तू सबसे प्यारा लै 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 तेरी धूम दौलत का मजहब चला के ओम धनाय नमः हम एक मंदिर बना के हरे रंग पूजेंगे तुझको बिठा के दौलत का मजहब चला के हम एक मंदिर बना के पूजेंगे तुझको बिठा के जय 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 तेरी धूम हर कहीं तुझसा यार कोई नहीं हमको तो प्यारे तू सबसे प्यारा ले 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 तेरी धूम हेलो मुंबई में कितने सिनेमा हॉल लिस्ट लाए सौ के करीब है पार्टनर लिस्ट ले आया अगर दस रोज में एक सिनेमा से पांच हजार का बीस हो गया तो एक सौ सिनेमा में से बीस लाख रुपया कितने रोज में हो जाएगा बीस लाख इतने दिन में हुआ आज से कृष्णा में शारदा का एडवांस शुरू हो गया हाँ उसके लिए दो हजार रुपया अलग रखा है एक अरे तुम गले से मिले थे मिला था कल लेकिन बड़ा गुंडा आदमी है
कहता हम किसी साले की नौकरी नहीं करेगा। तुमने कहा नहीं कि हमारे साथ काम करेगा तो बहुत फायदे में रहेगा? मैंने उसे कहा लेकिन कहने लगा लेमिंगटन रोड के किसी भी सिनेमा में मेरे अलावा किसी और ने टिकटों काला बाजार किया तो याद रखो धज्जियां उड़ा दूंगा। वो जरूर धज्जियां उड़ा देगा। हाँ 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 ठीक है टिकटें खरीदना शुरू करो। पार्टनर गणेश गुंडों का दादा है उससे दुश्मनी लेना अच्छी बात नहीं है। कालो इस शहर में टिकटों का काला बाजार जो कोई भी करेगा सिर्फ मेरे लिए करेगा। गणेश और चाहे उसका बाप। वो है हाँ। कालू वो है परवाह मत करो उसकी बैठो जब तक मैं ना कहूँ मुंह उधर ही रखना तुम्हारे चेहरे पहचाने नहीं जाने चाहिए। ₹2 पौने दो में बेच रहा है उसकी सब टिकटें खरीद लो। अरे आज अपनी बाजी जीत गए हमारी सारी टिकटें बिक गई। लो दादा हाँ लो उनकी एक भी टिकट नहीं बिकी। नुकसान बड़ा हो गया लेकिन परवाह नहीं अब वो कभी नहीं आएगा। नहीं आने लगा। डेढ़ का टिकट ₹10 डेढ़ का दस। दादा अपने से ले लो अपन 6 में देगा उसके बाद छोड़ो ने ना तुम्हारा अपना ही माल है। अरे वो पांचवा बोला हम पुरुष खबर करेगा। क्या बात? गणेश दादा मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। और तुम्हारे आदमी? मेरे आदमी भी। कल कृष्णा सिनेमा में अंदर जरूर। आज की टिकटें मार दो। ये कल के पैसे। और अभी कोई मत जाए एक जरूरी बात करनी। ये भी पार्टनर
नक्शोर यस सर वास्ते रॉक्सी नाज जय हिंद कोहिनूर ईगो गन इंपीरियल सिनेमा लेमेंटियन मिनर्वा पुरिया एम्पायर ना मैं धन चाहूँ ना रत्न चाहूँ ना मैं धन चाहूँ ना रत्न चाहूँ मेरे चरणों की धूल मिल जाए मेरे चरणों की धूल मिल जाए तो मैं तर जाऊँ शाम तर जाऊँ हे राम तर जाऊँ समय में नहीं आता क्या बात है अभी तक नहीं आई यार बहुत ही देर लगा बहुत ही देर लगा ये लो अरे अलका कहाँ है उसने रेड पे भेजा कहती कि टिकट लेके रखो लेक्चर खत्म होते ही थिएटर भी पहुंच जाएगी ओहो अलका और उसके लेक्चर बोर माफ करना मैं तो भूल गया था कि तुम भी यहाँ खड़े भूल गए चलो चलो बहुत देर हो गई
का पांच घंटे का दो क्यों ये लो मेरे ₹1,000 और ये हम दोनों के पैसे ले लो। अच्छा लेकिन एक शर्त पर, अलका को मत बताना। ओहो देख। अच्छा नहीं बताए तुम ले ही लो। हाँ वापस कौन जाता है, जाओ ना। इश्क भी आदमी को गिदड़ बना देता है, किसी को गिदड़ किसी को गदा। इस गिदड़ से तो ये गदा ही अच्छा है जो कम से कम हर वक्त अलका अलका की रट तो नहीं लगाया करता। अलका क्या कोई खुदा है? मैं बताऊंगा उसको। ए खबरदार बताया जो मैं बताऊंगा मार खाएगा। देर तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं। नंद कहाँ है? पानी पीने गया। जी नहीं टिकटें लेने गया। क्या हाउस फुल? चलो भाई चलो शो शुरू हो गया। आ गई अलका चलो। अच्छा चलो भाई टिकटें मिली? हाँ दिखा दिखा। काला बाजार मिली ना? नहीं तो इसी जोकर के बच्चे ने बताया होगा। नंद तुम शर्म आनी चाहिए। अलका तुम कर क्या रही हो? तुम अलका तुम्हें दूसरों की टिकटें फाड़ने का कोई हक नहीं था। टिकटें अगर वो हजार हजार के नोट होते तो भी मैं उनको ऐसे फाड़ देती। अलका ये तुम हर बात में जो धर्मात्मा बनने की कोशिश करती रहती हो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मत मिला करो मुझसे नंद, मैं जो हूँ सो हूँ। अपने साथियों के साथ मैं अपने आप को गिरा नहीं सकती। अगर तुम्हें मेरा साथ चाहिए तो तुम्हें ऊपर उठना होगा। अलका मेरी बात तो सुनो। अलका सुनो तो बच्चू तेरी तुम्हें कल आके खबर लूंगा। मेरे तो रुपए मार तो कमीज भी फाड़ देनी चाहिए, पतलून भी, गधा कहीं। अलका मेरी बात तो सुनो भाई। क्या है? तुम्हारी कसम अब ऐसी गलती फिर कभी नहीं। तुम जैसे पढ़े लिखे लोग भी अगर काला बाजार जैसे गैर कानूनी और असामाजिक बातों को बढ़ावा देंगे तो अनपढ़ लोगों का क्या होगा? मान लिया बाबा, कहना ऐसा नहीं होगा। अच्छा तुम्हें घर तक छोड़ाऊं? मैं खुद चली जाऊंगी। कल कितने बजे आओगी कॉलेज? 10 बजे। कहाँ ले आया है मुझे? खोलो तो पहले। ये किसका घर है? अंदर तो चलो। ये है इसका? तुम्हारा अपना है माँ। भैया भैया वाह भैया वाह वाह भैया वाह। माँ पसंद नहीं आया क्या? इतनी दौलत इतनी जल्दी मुझे डर। ऐसा क्या है दिन रात मुझे मेहनत करते नहीं देखती हो क्या? आह कल्पना का सुंदर ये जगत मधुर कितना होता, सुख स्वप्नों की दल छाया में पुलकित हो जगता सोता। संवेदन का और हृदय का ये संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ पकता। कब तक और अकेले कह दो हे मेरे जीवन बोलो। कब तक और अकेले कह दो हे मेरे जीवन बोलो। आह जब नहीं पड़ता मत पड़ो, जाते हुए उठा लेंगे। पढ़ने आती है कुछ और पढ़ने तो नहीं आते तो फिर
श्री नंद कुमार चट्टोपाध्याय? मैं चट्टोपाध्याय नहीं हूँ। तो क्या हो, रोमियो हो? तुम क्या हो, जूलियट हो? चल चल छोड़ आया। मैं चुटिया खेच दूंगा। मैं फिर चुटिया नहीं खेचूंगी। इस खोपड़ी में इतनी अकल कहाँ से पाई तुमने? अपने बाप से। और कभी कभी जो घास चरने चली जाती है वो कहाँ से सीखा? अपनी माँ से। अच्छा, किताब कहाँ पे थी? जब उठा किताब तू जा, सब बातें सुनता होगा। नहीं, सोया है। जाना किताब उठा गला। तू जाना। वाह, थैंक यू। मैं नहीं है तूने? इससे क्या? इससे ये कि जो कहीं तो वही लाए। चल। अच्छा, फिर करना मुझसे बात। लाइन का क्या मतलब? दूसरी का बताऊं भैया? हाँ, कहता है तुझे। स्कूल में पढ़ता भी है या शैतानी करके लौट आता है? पढ़ताहूं भैया। पढ़ताहूं भैया। क्या नंबर आता तेरा? 20वां। 20वां? शर्म आनी चाहिए। बड़ा हो गया क्या तुझे भी मेरी तरह जाहिल और निकम्मा आदमी बनना है? अब की बार अगर अव्वल नंबर नहीं आया तो बहुत पीटोगे तुझे। बड़ा आदमी बनना है ना? बनना है। खूब बड़ा कर। तुम ही तो कहते थे भैया कि आदमी बड़ा पैसे से बनता है। कहता था मगर अब नहीं कहता हूँ। बिना पढ़ाई के आदमी कुछ नहीं बन सकता है, उसे जिंदगी में कोई अच्छी चीज नहीं मिल सकती है। तुमने मुझे आठवीं क्लास में स्कूल से हटा लिया था। भूल गए बेटा, तेरे पिताजी चल बसे थे। भगवान को नहीं मानते क्या? तो फिर फिक्र काहे की करते हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम कौन हो? मैं भी उसी भगवान का पैदा किया हुआ आदमी जिसने तुम्हें पैदा किया है। मुझे अपना भाई समझो। भैया, मैं फुटपाथ पर नहीं मरना चाहता, मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो। अच्छा चलो, अब तो देश आजाद है, तो सभी डॉक्टर पैसा मांगेंगे। तुम कौन हो? मैं भी उसी भगवान का पैदा किया हुआ इंसान हूँ जिसने तुम्हें बनाया। चले आओ। ये किताबें कहाँ से लाते? सुनोगे तो हंसोगे, ये किताबें मैं चोरी करता हूं। चोरी? बहुत सोचता हूं कि चोरी करना बुरा है, लेकिन फिर सोचता हूं कि अनपढ़ रह जाना क्या ज्यादा बुरा नहीं है। कितना पढ़े हो? एमए करने के बाद महसूस हुआ कि कुछ नहीं, असली पढ़ाई तो अब शुरू होगी। और
खाने पीने का इंतजाम। अंदर तड़प पैदा हो चुकी हो तो भूख तंग नहीं करते। वैसे भी किताबी कीड़ा हो गुजर हो ही जाती है, कुछ पढ़कर कुछ पढ़ाकर। दोस्त मुझे पढ़ाओगे क्या? ये किताबें और किताबें। क्यों, तुम क्यों पढ़ते हो? अंधेरा दूर करने के लिए। यहां का अंधेरा? हाँ यहां का अंधेरा। दोस्त तुम्हें भी था, पढ़ाओगे मुझे? लेकिन मेरा कोई ठिकाना नहीं। लेकिन लेकिन मेरा घर जो है, ये कहना बिल्कुल बेहूदा लगता है कि मेरा पैसा, कि मैं तुम्हारी सब जरूरतें पूरी कर सकता हूं। बस इतना समझ लो कि मैं, कि तुम्हें एक दोस्त मिल गया है। भैया कुछ खबर भी है? 12:30 बज गए। पागल हो गए दिन रात पढ़ते रहते हो? चलो सो जाओ। ठहरो, सोता, मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, पहले सो जाओ। सो जाओ। पहले तो माँ बीमार रहती और उस पर तुम्हें बीमार होना। तो अलका, तुम्हें वो टिकटें फाड़ने का कोई हक नहीं था। टिकटें? अगर वो 1000-1000 के नोट होते तो भी मैं उनको ऐसे फाड़ देती। 1000 के नोट? देखो कितने हैं मेरे पास, देखो कितने हैं। काला बाजार के हैं। अपने साथियों के साथ मैं अपने आप को गिरा नहीं सकती। मेरा साथ चाहिए तो तुम्हें ऊपर उठना होगा। अलका, कितना प्यारा फूल है देखो। ए, तोड़ के ला दो मुझे। पागल नहीं हूं मैं, बस यही प्यार है। प्यार जताने के लिए क्या सर पैर तोड़वाना लाजमी है? चलो हटो। पागल दाढ़ी है या कांटे? शेव क्यों नहीं करते? अरे यहाँ इंसान सर पर खड़े हैं और जनाब को शेव की सोचती है। क्या हुआ? दर्द। तो क्यों पढ़ते हो दिन रात? यूनिवर्सिटी में अव्वल ना आया तो तुम जानती हो पिताजी मुझे विलायत नहीं भेजेंगे पढ़ाई के लिए। विलायत? नंद कभी कभी मैं चाहती हूँ तुम फेल ही हो जाओ तो अच्छा है। क्या कहा? ताकि कम से कम मुझसे दूर तो न जा सकोगे। अलका
तुम क्यों नहीं समझती हो कि हमारे प्यार के लिए एक दो साल की जुदाई का इम्तहान बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दोनों में अभी तक बचपना है। देखें तो हम एक दूसरे के बगैर कैसे जीते हैं। दो साल के लिए तुम भी आजाद रहो, मुझे भी आजाद छोड़ दो, ताकि मैं भी दुनिया देख लूं और तुम भी जिंदगी को समझने लग जाओ। इसके बाद भी अगर हमारा प्यार ऐसा का ऐसा बना रहा, तब आएगा फिर से मिलने का मजा, शादी करने का मजा। सगाई तो करके जाओगे ना? ओफो, क्या पुराने ख्याल आते हैं तुम्हारे। क्या कहा? तुम अगर कहोगी तो मैं 20 सगाइयां कर लूंगा, लेकिन क्या हमारे प्यार का बंधन ऐसी 1000 सगाइयों से ज्यादा मजबूत नहीं है? अगर है तो यकीन रखो कोई इसे तोड़ नहीं सकता, न यहां न वहां। अगर नहीं है तो क्या यही बेहतर ना होगा कि शादी से पहले ही हमें इसका पता चल जाए? ओहो, मैं भी गधा हूं जो इस तरह पकने लग जाता हूं, और तुम भी कुछ कम नहीं जो मेरी बातों में इतना गहरा उतर जाते हो। ए अलका, अच्छा देखो श्री नंद कुमार चट्टोपाध्याय तुम्हारे लिए फूल कैसे तोड़ता है। देखो देखो, एक जो ये लड़का विलायत गया तो क्या लौट के आएगा? नहीं आएगा। उदास ना हो बेटी, दो साल की तो बात यूं ही गुजर जाएंगे। अब छुट्टियां हैं, हम ऊटी जाएंगे, वहां तुम्हारा दिल लग जाएगा। बड़ी अच्छी जगह है ऊटी। ऊटी, दिल को बहला दे, ये भी मुश्किल है तो क्या आसान है? ऊपर वाला जान कर
अनजान है अपने जो हर एक तूफान है सर पे मेरे तू जो अपना हाथ ही रख दे फिर तो भटके राह को मिल जाएंगे रस्ते दिल की बस्ती जिन तेरे वीरान है ऊपर वाला जान कल अनजान है अपने तो हर एक तूफान है दिल ही तो है इसने शायद भूल भी की है जिंदगी है भूल कर ही राह मिलती है माफ कर बंदा भी एक इंसान है उबर वाला जान कर अनजान है अपने तो हर एक तूफान है अपने तो हर एक तूफान है क्या करे वो जान कर अनजान है उबर वाला जान कर अनजान है अपने तो हर एक तूफान है नीचे को भी रास्ते में आना था आप दोनों हट जाइए मैं दबाता हूँ नहीं नहीं आप क्यों तकलीफ करते हैं नहीं भाई तुम्हारी नींद खराब होगी आप हट जाइए ना ये नहीं हो सकता कि साथ वाला कोई तकलीफ में हो मैं चुपचाप देखता रहूँ आप उल्टा लेट जाइए अच्छा भाई लेता अरे वाह तुम्हारे हाथ में तो जादू है डॉक्टर हो क्या जी डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं हूँ लेकिन मेरी माँ के सर में अक्सर दर्द रहा करता है और मैं कभी कभी वैसे गाते अच्छा हो मेरी माँ अक्सर शाम को भजन गाया करती और मैं कभी कभी गुनगुना लिया बड़ा आराम मिला लंबे सफर में इन्हें हमेशा तकलीफ हो जाया करती है आप कहाँ जा रहे हैं ऊटी ऊटी हम लोग भी वहीं जा रहे हैं आप भी वहीं जा रहे हैं अच्छा अच्छा लंबा साथ रहेगा हाँ रहेगा रहेगा आह कल्पना का सुंदर ये जगत मधुर कितना होता सुख सपनों की दलछाया में पुलकित हो जगता सोता संवेदन का और हृदय का ये संघर्ष न हो सकता फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहां बकता कब तक और अकेले कह दो ही मेरे जीवन बोलो दीदी जी कौन पहले दीदी जी पहले बताइए कौन मैं कहती हूँ दीदी जी ना दू तो तुम्हें का हक नहीं अरे कहां जा रहे छोड़ दो
दे दो नहीं तो मारूंगी पत्थर। मारो देखो। साँझ ढली दिल की लटी थक चली पुकार के आ जाया जाया भी जा। क्या तू तो तुझे पहले से मैं बैठी हूँ हार के जा 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 जाते जा। साँझ ढली दिल की लटी थक चली पुकार के आ जा भी जा। क्या तू तो तुझे पहले से मैं बैठी हूँ हार के जा 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 जाते जा। जिद पे आ गया है दिल के आज यू न लौटना। मेरी सुनो लौट जाओ छोड़ दो ये बचपना। चार दिन की जिंदगी में दिन है दो बहार के आ जा आ जा। क्या तुझे पहले से मैं बैठी हूँ हार के जा 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 तू जा। ना समझ गए ये प्यार की जुबान है। कितने हैं हमको दिन किसी की इंतजार के जा 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 तू जा। सांस ढली दिल की लगी थक चली पुकार के आ जा आ जा अभी जा। क्या तू तुझे पहले से मैं बैठी हूँ दुल्हार के जा 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 तू जा। आ जा आ जा आ जा 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 जा। सुन तो ले के मेरे दिल का तुझसे क्या सवाल है। कुछ अकल सकूंगी मैं किसी का तो मलाल है दिल न तोड़ चाहे बोल दो ही बोल प्यार के आ जा अभी जा। क्या तुझे पहले से मैं बैठी हूँ बिहार के जा 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 तू जा। सांझ ढली दिल की लगी थक चली पुकार के आ जा जा अभी जा।
पिताजी अंदर हैं। बेटा, होटल कैसा है? ये सब ठीक है लेकिन महंगा है। लूट है हर जगह, खुदगर्जी और बेईमानी तो लोगों के खून में भरी हुई है। और एक हमारा जमाना था जब हर नौजवान अपनी देश की आजादी के लिए जान तक कुर्बान करने को तैयार हो जाता था। वो चरित्र अब कहां मिलेंगे? अब तो पैसा कमाने की हवस है। झूठ है, मक्कारी है, धोखा है, काला बाजार है, और ये कसूर है तालीम का। तालीम चरित्र पैदा नहीं करती, लोफर पैदा करती है। इसीलिए मैंने अलका की तालीम का शुरू ही से खास जा रहे। नमस्ते। अरे हाँ, सुनिए। शुक्रिया, आपने मेरा हाल नहीं पूछा। पत्थर छोटा रहा। आपका मतलब है सर फटना चाहिए था? फटता तो अकल आती, और अगर कहीं मौत आ जाती तो और भी अच्छा होता। आपको अफसोस नहीं होता? किस बात का? मेरे मरने का। अरे आप तो सचमुच मरने लगे। अलका, अलका देवी, ये पहाड़ बड़े सूने हैं, यहाँ किसी का दिल ना लगे तो कुछ क्या करे। लौट जाए ना, इतनी दूर आकर वापस लौटना नहीं होता है। बड़ा दुख है कि मिली नहीं, लेकिन मिल जरूर जाएगी, और वो भी जल्दी। क्या नौकरी? बच्चा, किस्मत खुलने वाली है। मेरी बात को सुन बच्चा, ये महात्मा कभी झूठ नहीं बोलता। देख, आठवें घर में चंद्रमा है और ये जो तेरे माथे पे निशान है। यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला बाबा। अरे मत देना, हम भी तुझे याद रखेंगे, लेकिन ध्यान रहे तू भी हमें याद रखेगा। बाबा ये दाढ़ी बेचोगे क्या? और ये मूछे क्या? और ये चोगा क्या? ये 100 रुपया, हाँ, 200, हाँ, 300, हाँ। विलायत गया है, खूब पढ़ेगा। कौन? दोहरा रंग, भूरे बाल, लंबा कद, जिसकी ये किताब है। हाथ देखते हो बाबा? हम आंखें देखते हैं, आंखें। आंखें? आंखों में सब कुछ लिखा रहता है, भूत, वर्तमान, भविष्य। दक्षिणा नहीं दिलाएगी। मेरी आंखों में आंखें डाल, चल सात समुंदर पार, गोरों के मुल्क में। ये कहा नौजवान खूबसूरत लड़का है, क्या नाम है तेरा बेटे? बोल बोल। नंद, नंद कुमार। मगर ये लड़की कौन है तेरे साथ? राम 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 राम, ले ले अपना पैसा वापस, हम भगवान के आदमियों को पैसे से क्या लेन देन। लेकिन आपने तो कुछ बताया नहीं। क्या करेगी जानकर बच्ची, दुख होगा दुख। नहीं नहीं, कुछ तो बताइए। तो सुन, जानती है महर्षि दुर्वासा ने शकुंतला से क्या कहा था बच्ची? क्या? जिसकी याद में तू खोई रहती है वो तुझे भूल जाएगा। हलक निरंजन। नहीं नहीं माँ, मुझे आज ही जाना है। बेटी, इतनी दूर का रास्ता, इतना खतरनाक, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं, फिर हम दोनों अकेले कैसे पहुँच पाएंगे? आप ना चलिए, मैं अकेली चली जाऊँ। हाँ देखो तो सही है कि नहीं ठीक है। तुझे अचानक मंदिर जाने का शौक कैसे हो गया? मुझे जाना ही है पिताजी, सुना है वहाँ जो मांगो पूरा हो जाता है। अच्छा, तो तुझे क्या मांगना है? बस मांगना है कुछ। लो रघुवीर आ गया, इसे मना लो और ले जाओ साथ।
जीते रहो बेटा। आप अंदर नहीं आएंगे? अलका देवी आंखों में जाएगी तो अच्छा। क्यों? मुझे डर है आपको ऐसी मांग में कर बैठे जो नहीं करनी। मेरी मांग ऐसी नहीं है, आप भी मांगे ना कुछ? मैं भी मांगू तो भगवान की समझ में नहीं आएगा किसकी मांग पूरी, आपकी या मेरी। मेरी की तो आपकी रह जाएगी, आपकी की तो मेरी रह जाएगी। भगवान की फिक्र आप क्यों करते हैं, वो सबकी मांगे पूरी कर सकता है। आइए। मैं आप कितना अच्छा आदमी नहीं समझती थी। इसी बात पे जी चाहता है वो जो चांद है ना, उसे नोच के आपके माथे पर लगा दूं, वही चमका करे। घूमने चलिएगा। नींद खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली, के उनको तो बुलाऊं। ओ हो हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। ओ हो हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, ओ ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। ओ हो हो, 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 हो
खोया खोया चाँद खुला आसमान आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खोया खोया चाँद हम चले जिनके लिए हम चले हैं जिनके लिए बिन कुछ कहे चुप चुप रहे कोई जरा ये उनसे कहे ना ऐसे आजमाओ ओ हो हो खोया खोया चाँद खुला आसमान आँखों में जरूरत जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खोया खोया चाँद खोया खोया चाँद खोया खोया चाँद खोया 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 बस रखो बस मुझे चक्कर आ रहे हैं। अच्छा बैठ जाओ। रघु रघु वो देखो कितना प्यारा फूल है। तुम्हारे बालों में और भी अच्छा लगेगा। अरे ये क्या कर रहे हो? रघु बस रखोगी? रखो कमल के
अलका, यहाँ आस पास कोई आदमी है? रस्सी है? नहीं, इस तरह कब तक रह सकते हो? ज्यादा देर नहीं। हाथ सुन हो रहे सकते हो अलका? अलका अगर मुझे कुछ हो गया? नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ऐसी बातें मत करो। मेरी बात तो सुनो। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम्हें बच के आना ही होगा। तुम्हारा साथ रहे तो मुझे हो ही क्या सकता है? अलका, क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम हमेशा मुझे गिरने से बचाती हो? कैसी बातें करती हो रघु? अलका, मेरी सगाई हो चुकी है। अगर तुम आज की सब बातें भूल जाओ। सुना तुम बीमार हो तो सोचा जाने से पहले मिल जाओ। अलका, और कुछ दिन तक तुम्हारा खत नहीं आया तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला आऊंगा वापस। इस ठंडे देश में बस तुम्हारा प्यार ही तो है जो अपने गर्माहट में मेरे दिल को लपेटे हुए है, वरना ये कब का थड़कना बंद कर देता। फौरन लिखो, बहुत 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 से प्यार के साथ, तुम्हारा अपना ही नंदू। जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकूंगा अलका। और जब तक तुम्हारा प्यार मेरे दिल में है, मुझसे कोई बुरा काम नहीं हो सकता। तुमने मुझे इतना बदल दिया है कि मैं अपने आप को बचा नहीं सकता हूं। किसी गुफा में 10,000 साल का पुराना अंधेरा हो और हम वहां छोटा सा दिया ले जाएं,
तो उसी वक्त वो अंधेरा दूर हो जाता है। ये नहीं होगा कि वो अंधेरा तो 10,000 साल का है, इसलिए उसे नष्ट होने में कुछ समय लगेगा। इसी तरह दिल को विचार जग जाए तो आदतों में फौरन परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन क्या मतलब? कि आदतें बदल जाती हैं। रघुवीर भैया, भैया तुम विनोबा भावे, तूने कब से पढ़ना शुरू कर दिया? भैया मैं कुछ नहीं किया। इसने भी काफी दिनों से पढ़ना शुरू कर रखा है, लेकिन मुझसे कसम ली थी किसी को बताऊंगा नहीं। पता नहीं क्यों शर्माता। तुम्हारा क्या हाल है? मुझे एक न्यूज़पेपर में एक सब एडिटर की नौकरी मिल गई। बड़ी अच्छी खबर है। तुम उदास? नहीं तो, माँ कैसी? रघु, तुम्हारी माँ की हालत बहुत खतरनाक है। एक दिन उनका दर्द इतना बढ़ गया कि मुझे उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। एक्सरे लिए गए तो पता चला कि सर में एक फोड़ा है जो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऑपरेशन ही इलाज है, लेकिन मैंने सोचा कि तुम आ जाओ तो, क्योंकि इसमें भी जान का खतरा है। रघु, मुझे अफसोस है कि तुम्हारे आते ही मैंने तुम्हें एक ऐसी खबर सुनाई। मेरा बचना मुश्किल है। नहीं ना, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं जाना। न जाने कौन से कर्मों की सजा भुगत रही। शायद मेरे कर्मों की सजा बन रही है। भगवान, नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। कहो माखनलाल, कैसे हो? ठीक हूँ जी। काम पसंद आया जी? ये काम अब आपसे क्या कहूँ, आपने मुझे नई जिंदगी दी। अपने दिल दिल वालो संभालो संभालो, अपने दिल दिल वालो संभालो। संभालो संभालो।
दिल दिल पालो संभालो संभालो अपने दिल दिल पालो संभालो चलो चलो वक्त हो गया है। हाँ एक नया फिल्म लगा है वहाँ शोर मचाने जा रहे हैं। बहुत मार्केट होगी अपने पूछिए मत डिस्ट्रीब्यूटरों में बड़ी मांग है अपनी। अरे क्यों ना हो जो पिक्चर चाहे चला दे चाहे बिठा दे। और ये धंधा तो टिकटों के धंधे से भी अच्छा है मुफ्त में फिल्म भी देखो हल्ला भी करो और बैठे बैठे भी बन जाओ। और आज कितनी जल्दी है अरे सब डरते हैं और मारे डर के पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रीमियर पर या तो बड़े बड़े फिल्मी सितारे बुलाए जाते हैं या हम बड़े बड़े दादा लोग। क्या तुम्हारे सुख दुख तुम्हारे अपने कर्मों में नहीं रखे रहते? और जब तक तुम्हारा प्यार मेरे दिल में है मुझे कोई बुरा काम नहीं हो सकता। आज से काम बंद करना होगा। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? क्या बात देखो पार्टनर तुम बहुत थके हुए आराम करो तुम्हारा मजाक हम बाद में कर लेंगे अभी टाइम बहुत हो चुका है हमको काम करने दो। अरे हाँ चलो चलिए सुनो ये लोग घर शोर मचाए थे ना खूब मारो मेरा प्रीमियर खराब होना नहीं चाहिए। तुम जाओ राजा छोड़े बंगले मखनलाल क्या हॉस्पिटल बचेगा नहीं आओ मेरे जिंदगी दी थी आज वही लौटा रहा हूं। Thank you.
जिस जिंदगी ने यह जान ली है मैं उस जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहता हूं। कोई है मेरे साथ? कर सकता हूं। आइए। आप इसे पहचानते हैं वकील साहब? जी। गिन लीजिए, पूरे 5,000 हैं। पहचाना? तो ये भी शायद कोई नई चाल है। जी, एक वो चाल थी कि बुरे रास्ते से भिखारी से लखपति बनना चाहता था, और एक ये चाल है कि अच्छे रास्ते से लखपति से भिखारी बनना चाहता हूं। सोचा वो बुरी चाल आपसे शुरू हुई थी, अच्छी चाल भी आपसे शुरू होनी चाहिए। मैं अपने आप को गुनाहगार समझता हूं और अपने गुनाहों की सजा भुगतने को तैयार हूं। बैठो। और कुछ नहीं कहोगे? आप सुनेंगे तो जरूर कहूंगा। उस रोज जब मैं आपका ये 5,000 रुपया छीन के खा रहा, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना है। क्या तुम समझते हो कि इतना सुनने के बाद मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा? मैं तो तुम्हें सर आंखों पर उठा लेना चाहता हूं। भगवान करे जो तुम काम करना चाहते हो उसमें सफल रहो। जाओ। ₹2 में ले जाओ, कभी नहीं मिलेगा भाई लोग। ए लो, अठाना 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 अठाना, चोरी का माल है। नंदा भाई, यहाँ अपने हाथों की बुरी हालत है। अपने बाप दादा ने भी कभी ये वजन नहीं उठाया था, मसल बन गए। निर्भय कमाए तूने कितने भाई? कुछ नहीं यार, ये काम अपने बस का नहीं, और किसी दुकान के आगे तो कोई दुकानदार बैठने नहीं देता। और भैया फुटपाथ पे पुलिस वाले बैठने नहीं देते, और ग्राहक समझते हैं सुसरे कि हम लोग चोर बैठे हैं उनको लूट लेने के लिए। भाइयों, इस काम में बिल्कुल बरकत नहीं है और न इज्जत है, न वो मजा है, ना वो धाक है, ना लाभ है और न पैसे। बस मेहनत ही मेहनत है, पसीने बहाए जाओ। बेवकूफ, हम सब बेवकूफ। अरे ये तो शास्त्र में भी लिखा है कि आदमी को अपना काम और धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम अपनी मेहनत से 100 रुपए कमा कर सकते हैं तो क्या हमारा सच फिर गया कि 2 रुपए कमा कर सफर कर जाए? जब हम थोड़ी सी मेहनत से आराम की जिंदगी बसर कर सकते हैं तो क्या हमें पागल कुत्ते ने काटा है कि सुबह से शाम तक खून पसीना बर्बाद करे? एक सूखी रोटी से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे भरपेट खाना चाहिए और अच्छा खाना। हार न जाइए काम, अपन को अपना पुराना धंधा ही अच्छा है। अपने को भी ये कुछ बात हुई ना? नहीं दादा, बिल्कुल ठीक बोलता है। अरे तो दिमाग खराब हुआ है। हाँ, सब उसकी बातों में आ गए। अपन तो ये काम नहीं करेंगे। हाँ, ये काम हम नहीं करेंगे। हम ये काम नहीं करेंगे। अभी तक मैं ये समझता रहा कि हम बुरे कामों में इसलिए पड़े हैं कि हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन अब दूसरा रास्ता होते हुए भी अगर हम बुरा काम करना चाहते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि हम हैं बुरे। इसमें अच्छाई बुराई का सवाल कहाँ से आ गया? ये भी एक धंधा है, वो भी एक धंधा है। ये चार आने की चीज छियाने बेचते हो ना,
ये हजारों रुपए का माल सैकड़ों के मुनाफे में बेचने में कोई हर्ज नहीं, तो फिर ये 1.5 रुपए के टिकट 2 रुपए में बेचने से कौन सा पाप लग जाता है? अगर तुम्हारे घर में माँ बहन या कोई ऐसी जान है जिसे तुम सच्चे दिल से प्यार करते हो, तो क्या ये सवाल तुम मुझसे भी पूछ सकते हो? मेरा कोई नहीं। अपनी आत्मा तो है या अपना जमीर तो है, पूछो उससे क्या कहता है। वो तो बेच गया है। चुप रहा ध्यान करेगा। अबे मुंह संभाल के बात कर, एक एक दांत दूर था। तुम सब अपने दिलों के मालिक हो और मैं किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि याद करो हम कल क्या थे और आज क्या है, ख्याल करो कि कल क्या बन सकते हैं। क्या हम हमेशा अपनी मां बहनों से अपना पेशा छुपाते रहेंगे? क्या हम यही चाहते कि हमारे बच्चे गलियों के आवारा बच्चे न कहलाकर इज्जतदार ईमानदार मां बाप के बच्चे कहलाएं? क्या हम हमेशा पुलिस और कानून से भागते रहेंगे? मैं तो यही दुआ मांगता हूं कि हे भगवान, हमें मोटर और बंगले ना दे, सोने चांदी के सिक्के ना दे, देना है तो पेट भर रोटी दे दे, थोड़ा सा ईमान दे दे, एक अच्छा सा दिल दे दे और थोड़ी सी इज्जत दे दे। थोड़ी सी क्यों, बहुत सी इज्जत मांगो, खून मिलेगी जब बाजारों में फेरी देते हुए पुलिस हमें कुछ तोड़ दे ठोकर सत्कारेगी। यारो जरा तोड़ो इसके खूबसूरत लफ्जों को अपने आज के तजुर्बे से, कौन सी भरपेट रोटी कमा ली हमने, कौन सा ईमान कमा लिया, कौन सी इज्जत कमा ली, कान परेशानी और बेइज्जती की सहाय और क्या मिला हमें? बहुत देखे इज्जत वाले इस दुनिया में, सब वही तो है जिनके पास बंगले हैं, मोटर है, सिक्के सोने चांदी के। फिर क्यों ना हो मेरे पास एक बंगला, मोटर और सोने चांदी के ढेर, और जब मैं कमा सकता हूं तो क्यों ना कमाऊं? अच्छा बनने का ढोंग कर सकते हैं वो जिन्होंने लाखों कमाकर दबा लिया, और जब हमारे पास आ जाएगा इतना तो हम भी ऐसे ढोंग कर लेंगे। मैं पूछता हूं कि हम ही हमेशा इसके इशारे पे तो चलते रहे? आखिर याद में जो कुछ भी आ जाए हमारे दम से है, हम इसके हाथ से, वरना ये अकेला क्या कर लेता? मैं है को बेवकूफ तो चला जाए इसके साथ, और जो मेरे साथ है इधर आ जाए। गणेश ने ठीक कहा है कि तुम लोग मेरे हाथ हो और हाथों के बगैर जिस्म बेकार है, लेकिन याद रखो जिस्म के बगैर हाथ भी बेकार है। जो लोग मेरे साथ हैं उन्हें मैं कल सुबह 10 बजे यहीं मिलूंगा। अब कोई नहीं आएगा पार्टनर, सब चार चार टिक लेना। सुनो भी सामने, चलो ना भाई, क्या तुम लोग सवारों के बैठ गए? क्या समझेगा वो लोग? क्या कहते हैं? मैं तो जा सकता देना टिकट। कितना? 50। तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए। पिक्चर की हवा गर्म है, हैं? प्रीमियर शो में इतना शोर मचाओ, इतना शोर मचाओ कि हवा एकदम ठंडी हो जाए, धज्जियां उड़ जाए धज्जियां। जाओ हैं? जाओ और मैं पहुंचता हूं। जाओ शरीफ के दो आना, दो आना, दो आना, गाने की चौपड़ी दो आना, दो आना, गाने की चौपड़ी दो आना, तलाक के गाने की चौपड़ी दो आना, कुछ भी कहो जाए, साधने का बहुत आसान है। हम लोग गद्दारी की, हम लोगों ने कमीनापन, हम उसे मुंह नहीं दिखा सकते। हम उसके सामने से कैसे गुजरे? सब छुपे हुए खड़े, समझ में नहीं था तुम क्या कर रहे हो। तू चुप रह कालू और देख क्या होता है। अरे तुम लोग अभी यहीं खड़े हो, शो का टाइम हो गया। रुक क्यों गए? आओ मेरे साथ।
गाने की चौपड़ी दो आना, दो आना, दो आना, गाने की चौपड़ी दो आना। पैसा कमाना चाहते? चलो, मेहनत की कमाई चाहता हूँ। मैं तुम्हारी चाल समझ गया, लेकिन तुम भी समझ लो गणेश कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तुम जहन्नुम में भी जाओ मुझे कोई वास्ता नहीं, लेकिन अपने किसी आदमी को अंत नहीं जाने दूंगा। देख लेंगे, आओ बुजदिलों, कोई शेर नहीं चुका जाएगा, चले आओ। मैं तो नहीं जाता। दो आना, दो आना, गाने की चौपड़ी दो आना। लड़ना चाहते हो उससे? तुम शायद भूल गए हो कि एक बार पहले भी तुम उससे लड़े। रघुवीर, मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा ना होगा। दो आना, गाने की चौपड़ी दो आना, दो आना। शरीर कमीना, तेरी ये मजान। साहब तुम जानता नहीं, ये हमको मां का गली दिया। चौबे फिर देखा गली। ये करूं और मरम्मत जो चाहो करो, अब ये दो हाथ किसी को मारने के लिए उठेंगे नहीं, लेकिन मेरे और भी 100 हाथ हैं। देखना यह है कि वो कब तक इस जिस्म को बचाने नहीं आते। दिखाऊं तुझे? ये 50 दुकानें किराए मिल रही हैं। 50 दुकानें। मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक ऐसा बाजार खोल दिया जाए जो गरीबों के लिए बम्बई का सबसे बड़ा बाजार हो, जहाँ हर चीज मिल सकेगी और सस्ते दामों पे। बाजार का नाम होगा सफेद बाजार। वसी कैसे हो? लेकिन इससे सस्ता नहीं मिल सकता। हेलो रघु, नमस्ते। नमस्ते भाई विमल, नमस्ते। रुपए रघु भैया। यो कादर भाई, ठीक है रघु भैया? ठीक है, ठीक है। ठीक है, आपका 2 रुपए दे रहे हैं, कमाल है। इतना खरीदे 2 रुपए किसी ने कोई तो मैं भी आ जाऊंगा। 2 रुपए। नमस्ते जी, मैं आपको बताता हूँ। Thank you.
चाहता था लो सर्दी लग जाए। चलो मैं तुम्हें टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दूं, बस पर मिलने से रहे। चलो मालूम होता है किसने फिर दादू चलने लिखा। कहाँ रहते हो तुम? तुम्हारे घर के पास ही। चले झिम झिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किससे वो पहले मुलाकात। झिम झिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किससे वो पहले मुलाकात। झिम झिम के तराने लेके आई बरसात। प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार, प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार। मैं ना बोलूँ बस, मैं ना बोलूँ आँखें करे आँखियों से बात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। सुन के मत वाले काले बादलों का शोर, घूम 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 नाचे मन का मोर। सुन के मत वाले काले बादलों का शोर, घूम 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 नाचे मन का मोर। सपनों का साथी चल रहा है मेरे साथ, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। याद आए किसी से वो पहले मिला था। मैं यहाँ रहता। अच्छा अच्छा मैं चलूँ? अंदर नहीं चलो, कुछ देर हो जाएगी। मैं अकेला नहीं रहता हूँ, मेरी माँ है, बहन है। अच्छा चलो। माँ ये अलका है, ये फांसी में रहती है। यूं रास्ते में मिल गई थी, तुमसे मिलने आई है। नहीं नहीं आओ बेटी, यहाँ आओ। जी मैं गीली हूँ। तो क्या हुआ, आओ ना। अरे जुकाम, अरे बाप रे, फौरन कपड़े बदलने चाहिए। जी मैं घर चली जाऊंगी। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ये सत्य है कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ सुनिए ना, आपके कपड़े बदलने चाहिए। लड़की तो अच्छी है। माँ मुझे भी जुकाम हो जाएगा। पूरे आ गए? ये गीले कपड़े मैं धोके रख छोड़ूंगी, आप लेने आ जाइएगा। इसी बहाने आपसे एक बार फिर मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात के लिए बहानों की क्या जरूरत, मैं यूं ही आ जाऊंगी। इतना प्यार किस लिए? इसलिए कि आप मेरे भैया के साथ आई हैं। इससे क्या? आज पहली बार मैंने भैया को इतना खुश देखा है। आइए। अरे अरे मुझे छाता ले आना चाहिए। क्यों, ये काफी नहीं?
अलका, नंद का क्या हाल है? 3 महीने से कोई खत नहीं आया। न जाने मैं बात तुम्हें क्यों बता रही, लेकिन ऊटी में मुझे एक ज्योतिषी ने कहा था। क्या कहा था? रघुवीर। क्या रघुवीर? क्या हुआ? ढोंगी धोखे बाद? नहीं, नहीं मैं नहीं था, कसम से मैं नहीं था। क्या नहीं था? वो ज्योतिषी। मैंने कब कहा कि तुम थे? तुमने नहीं कहा? धत तेरी की। बच्चा मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। अच्छा चलो। अच्छा अब मैं चलू। क्यों अंदर नहीं आओगे? मुझे देर हो जाएगी। मैं अकेले तो नहीं रहती हूँ, माँ है, पिताजी हैं। चलो बस अपनी बार को सभी रहे यहाँ। माँ, पिताजी आपसे कोई मिलने आए हैं। कौन भी? अरे चलो काम कपड़े बदल लो। और तुम भी? मैं काम हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा भाई, मरना है क्या? हाय हाय भगवान ना करे, यू कहीं नहीं कहते कि इस घर में पहली बार आया है, बिना कुछ खाए पिए जा नहीं सकेगा। बेटी अलको देखो इसके लिए मेरे कपड़े निकाल दो, खाना चलो 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 चलो। माँ कर्म कर रहा हूँ, डाले वो खत पढ़ लो, रोज चिल्लाते रहते थे कि खत नहीं आया खत नहीं आया। आप मुझे किसका खत आएगा? हुआ बेटी? मैं रोज चिट्ठी भर भर के लिखती रहूं और जनाब 3-3 महीने के बाद जवाब दे, और वो भी जरा सुनिए कैसे। अलका मरने तक की फुर्सत नहीं, फिर लिखूंगा। नन बेचारा मसरूफ होगा। हाँ मसरूफ होगा जरूर, लेकिन पढ़ाई में नहीं। अच्छा बक मत। क्यों, मुझे इतना तक कहने का हक नहीं? मैं 2 साल से उसका इंतजार नहीं कर रही हूँ। अलका माँ तुम मुझे हर बात पर टोका मत करो, मैं अब काफी बड़ी हो गई हूँ, सब बातें समझती हूँ। इतना तो समझती नहीं कि इन गीले कपड़ों में तुम दोनों को सर्दी हो जाएगी। आई जाओ जाओ जाओ। आते इतवार को इसे भी अपने साथ चुनन लेते चलो। हाँ, क्यों नहीं। क्यों भाई? जी हम लोग कैरला के गुफाएं देखने जा रहे हैं, चलोगे ना? जी मेरा ख्याल है कि मैं इतवार को भी छुट्टी नहीं मिलती क्या? चलो ना। बहुत अच्छा। ओह तो तकल्लुफ कर रहे थे तुम्हें। इन पत्थर की मूर्तियों में भी कितना प्यार है, काश मैं भी पत्थर ही होता, कम से कम हमेशा प्यार तो मिलता रहता। अलका क्या अब भी नंद का साया हम दोनों के बीच में है? क्या मेरा साया तुम्हें तुम्हारे और नंद के बीच में आ गया? ये भी सच है, लेकिन मैं तो हट गया था अलका। लेकिन तुम्हारा साया ना हट सका। तो अभी तुम्हें कुछ फैसला तो करना ही होगा। मुझे अभी यकीन नहीं आता
विलायत की हवा लग गई होगी ना और क्या। लेकिन फिर भी मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी तेज अकल वाला लड़का, लिखने पढ़ने का इतना शौकीन। अब बता दीजिए ना, पता तो उसे भी लग ही जाएगा। क्या हुआ? नंद का एक दोस्त लंदन से खबर लाया है। क्यों, किसी और लड़की के साथ? देखा, ले उड़ी बात को। तो और क्या? अलका, नंद फेल हो गया। फेल हो गया है नंद? आपने कहा होता उसकी शादी हो गई तो मुझे जल्दी यकीन आ जाता। मुझे पहले ही शक पड़ गया था कि वो लंदन जाकर पढ़ाई नहीं कर रहा है, गुल छरे उड़ा रहा है। कोई मिल गई होगी अंग्रेज लड़की। अब हाँ हाँ बकने मत लग जाना तू। जो मैं कहती हूँ सब बकवास है, जो कुछ हुआ करता है सब ठीक है। माँ, मैंने नंद के साथ सगाई की थी नंद को कुछ खास समझ कर। अगर अब वो वैसा नहीं रहा तो मेरा उसका कोई वास्ता नहीं। अच्छा अच्छा बस चलो ठीक है, मुझे क्या, अब वो चाहे हजार बार फेल हो, अगर उसको मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों उसकी परवाह करूं। जिस नंद के साथ मेरा संबंध था अब वो तुम रहे नहीं, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम मुझे भूल जाओ। जल्दी 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 जल्दी। भैया मुझे झुमके चाहिए और चूड़ियां और माता जी के लिए धोतियां। सब कुछ ले आएंगे। सत्या, मैं अपने कपड़े लेने आई थी। हेलो, और पोस्ट कर देना। अलका, अलका, पहले पोस्ट कर रहा हूँ, कहीं दाग तो नहीं। ये आपके कपड़े। भैया कहाँ गए? जाएंगे कहाँ? तुम कुछ न कहना, मैं बताऊंगा। नहीं नहीं मैं बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं बताऊंगा। देखिए जी, मैंने आपसे कह दिया, मैंने आपसे कह दिया कि मैं बताऊंगा। पिताजी। लो, ये तो पहले ही खुश मन होती है। तू जानती है क्या? आज मुझे कुछ जाने की इच्छा नहीं। मैं तो पहले से कहती थी लड़का अच्छा, तू तो खाम खा उसे गालियां देती रहती। मैं कहाँ गालियां देती थी माँ? अच्छा, मैं देती थी ना। आजकल अच्छे लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और जो मिल जाए तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। और क्या, दूर जाकर कोई अपनों को थोड़े भूल जाता है। और क्या पिताजी, आज वो आपसे शाम को मेरे आप कौन? माँ माँ, आज शाम को वो पिताजी से मिलने आए। क्या, अभी वो तो इनसे मिल के गए हैं, कल वो तुझसे मिलने आए। कब आए थे? यही कोई आधा घंटा हुआ यहाँ से गए हुए। बड़ी बेसब्री दिखाई। बड़ा खूबसूरत नौजवान हो गया, बिल्कुल अंग्रेज लगता है। नंद और कौन? नंद? तुझे नहीं मालूम नंद लौट आया है? लो, तो तू किसकी बात कर रही थी? नंद लौट आया? Thank you.
वापस चले जाओ रघु, आज पिताजी से बात मत करना। तुम्हें मेरी कसम कोई सवाल मत पूछना, बस चले जाओ प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? क्या बताऊं, मन लौटा है और सब कुछ बदल गया। तो इसका मतलब है कि मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं कह सकती। अभी मुझसे कुछ मत पूछो, चले जाओ रुको। मुझे माफ कर देना। हेलो अलका। हेलो नंद। कल भी आया था मैं। आओ। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू अलका। तुम मेरे साथ घूमने चलोगी जरा? हमारे प्यार के लिए एक दो साल की जुदाई के इम्तिहान की जरूरत है, याद है मेरे ये लफ्ज? कैसा रहा इम्तिहान अलका, पास हुई या फेल? ये अंगूठी तो वैसे की वैसे है ना। इस अंगूठी को तुम मजबूरी का बंधन मत समझो, इसको जब चाहो उतार के फेंक सकती हो। दो साल के बाद यही कहने आए हो? तो तुम्हें क्या उम्मीद थी? क्या कर कहूंगा कि अलका बेशक मुझे ठुकरा कर तुम औरों को अपनाती रहो, लेकिन मुझे भी यहीं पड़ा रहने दो अपने पैरों में, क्योंकि तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता। इतना जहर क्यों उगल रहे हो ना? बोली मत बनो, मुझे इतना बेवकूफ मत समझो। मैं जानना चाहता हूं कि ये रघुवीर कौन है। हक है तुम्हें पूछने का? नहीं है तो फिर मुझे भी पूछने का हक है। सच बताओ ना, क्या कोई और लड़की नहीं थी वहाँ विलायत में जिसके साथ तुम? बाहर करना बचाव का अच्छा तरीका। मैं सती सावित्री नहीं हूँ जो चुपचाप सहती रही और हमेशा माफ करती रहूँ। ये तो जाहिर है, लेकिन मुझे इतना बता देना, तुम्हारा फर्ज नहीं था क्या कि तुम किसी और को जाने लग गई हो ताकि मैं गलत फहमी में न रहता? सारा इल्जाम मुझे भी मत लगाओ आनंद। पूरे दो साल तक मैं बैठी रही तुम्हारे इंतजार में, किसी और आदमी को पास फटकने नहीं दिया, किसी और का ख्याल तक मन में उतरने नहीं दिया। तुम शायद भूलती हो कि मेरे माँ बाप, मेरे यार दोस्त सब इसी शहर में रहते हैं, जिनसे बराबर मेरी खतो खिताबत होती रहती थी। झूठ लिखते रहे हो। झूठ? क्या ये झूठ है कि तुम इस रघुवीर के साथ उठी गई थी? नंद, मैंने खत पर खत लिखे और तुमने जवाब तक देने की परवाह नहीं की। झूठ है, सब झूठ है। ये सच है कि रघुवीर मुझे चाहता था, लेकिन ये भी सच है मैंने उसे ठुकरा दिया था, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए नंद। और तब तक उसे ठुकराती रही जब तक मुझे यकीन था कि तुम मेरे हो, लेकिन फिर तुम मेरे रहे नहीं। तुम्हारा था जब तक तुम मेरी थी, बस तभी तक। तुम्हारे खत पहले आते थे रोज, फिर हफ्ते में एक, फिर महीने बाद, फिर वो भी नहीं। मेरी अलकू से मेरी अलका हुआ और फिर सिर्फ अलका रह गया। तुम्हारा अपना ही नंदू से तुम्हारा नंद और फिर सिर्फ नंद। मैं अंधी नहीं हूँ जो देख समझ न सकूं। और फिर तुम फेल हो गए, नंद फेल। यहाँ यूनिवर्सिटी में हमेशा अव्वल आने वाला नंद फेल। पढ़ाई ही जिसका मन बहलाव था, दिमाग ही जिसकी सबसे बड़ी कशिश थी, वो नंद फेल। क्या इसी नंद से सगाई हुई थी मेरी? फेल ना होता तो क्या वजीफे पाता? किताब उठाता था कि तुम्हारी बेवफाई की तस्वीर मेरी आंखों के सामने तहराती थी, जिसको दिखाने के लिए ही दिन रात की मेहनत थी, जिसके बगैर न रात की नींद थी और न दिन का चैन, जिसको पाने की बेचैनी में पल पल साल बराबर था, वही अलका। हजारों बिच्छू जैसे एक साथ मेरे दिमाग को खाए जाते थे जब मैं ये सोचता था कि वही अलका आज किसी रघुवीर नाम के लफंगे के साथ। गाली मत दोस्त नेक आदमी को, उस बेचारे का कोई कसूर नहीं, उसने मेरी वजह से बहुत से दुख सहे हैं। तुम भी उसे मिलोगे तो प्यार करने लग जाओगे ना। तो ये सच है, तुम्हें उसे प्यार है? तुम्हें ने तो कहा था नंद कि दो साल के लिए तुम आजाद रहना चाहते हो और मुझे भी आजाद छोड़ देना चाहते हो। अलका, बस यही लफ्ज तुम्हारी जबान से सुनने के लिए आज मुझे इतनी एक्टिंग करनी पड़ी। तुम्हें एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? ये भी तो तुम्हें ने कहा था कि हम दोनों के प्यार में अभी बचपना है। तुम यकीन नहीं करोगी,
लेकिन मैं भी आज तुमसे यही कहने आया था कि जिसे हम प्यार समझे बैठे थे वो प्यार नहीं था, बचपन का पागलपन था। तो ये सच है कि जुदाई के इम्तिहान में हम दोनों ही फेल हो गए? हाँ सच है, और अच्छा ही हुआ। क्यों? अच्छा ये बताओ, उस नेक आदमी से कब मिलवाओगी जिसने हमसे हमारी अलका छीन ली? पहले तुम बताओ, कौन है वो तितली जिसने हमारा नंद हमसे छीन लिया? है, फ्रांसीसी लड़की है। अच्छा, वो मुझे फ्रेंच पढ़ाने आया करती थी, और तुम तो जानती हो कि फ्रेंच में सिवाय प्यार की बातों के और कुछ होता ही नहीं। अच्छा, मेरी तरफ से तोहफा उसे दे दोगे? एक शर्त पर, ये फूल मेरी तरफ से रघुवीर के कॉलर में लगा देना। कोट वोट पहनता है कि नहीं? कुर्ता जैकेट। जैकेट? हाँ। देशभक्त है। सच हुए सपने तेरे झूम लिया मन मेरे, सच हुए सपने तेरे झूम लिया मन मेरे, चिक 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 सपने तेरे। बेकल मन का धीरज ले कर मेरे साजन आए, बेकल मन का धीरज ले कर मेरे साजन आए, जैसे कोई सुबह का झूला संज को भरिया जाए, रंग बिखेरे झूम लिया मन मेरे, चिक 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 चक चढ़े चिक 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 चक चढ़े चिक 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 चक चढ़े चिक 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 चक, सच हुए सपने तेरे। मन की पायल चम चम गाए बोले प्रकाश कराना, मन की पायल चम चम गाए बोले प्रकाश कराना, धीरे धीरे सीख लिया अखियों ने मुस्काना, जय धूर अंधेरे घूम लिया मन मेरे, चिक 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 चक चढ़े चिक 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 चक चढ़े चिक 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 चक चढ़े चिक 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 चक, सच हुए सपने तेरे। जिस उलझन ने भूल जाके सारे रात जगाया, जिस उलझन ने भूल जाके सारे रात जगाया, बनी है वो प्रीत की माला मन का मीत मिलाया, जगमग चाँद सवेरे घूम लिया मन मेरे, चिक 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 चक चढ़े चिक 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 चक चढ़े चिक 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 चक चढ़े चिक 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 चक।
सच हो सपने तेरे। तुम्हारे पिताजी तो खुश हुए ही, मां बहुत खुश हुई। माफ कीजिए, क्या आप ही का नाम रघुवीर है? जी। आपकी गिरफ्तारी का वारंट। इल्जाम है कि आपने गुंडे पाले, उनसे दंगे करवाए, खुद काला बाजार किया और उनसे भी करवाया। जरूर आपसे भी गलती हुई। अलका, आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशनसीब दिन था, लेकिन अगर इस वक्त उस पर यकीन नहीं करूं कि आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे खुशनसीब रात हो जाएगी। इस वारंट पर तो तुम्हारा ही नाम है। ये सब झूठ है, अगर इस बात में सच्चाई थी भी तो अपने नहीं। सच्चाई थी? एक बार ठोकर खाए हुए इंसान को दोबारा संभलने का हक नहीं है क्या? तुम काला बाजार करते थे? मेरा विश्वास करो अलका, मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ, मैं बदल चुका हूँ अलका। मेरे गुनाहों का निशान तक नहीं बचा है, ये लोग कुछ साबित नहीं कर सकते हैं। ये घर, ये ठाट बाट सब उसी कमाई की कमाई है। अलका, मैं, तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता, चेहरे कितना धोखा दे सकते हैं। मासूम के नहीं जाऊंगी। माँ, माँ, आपको डॉक्टर ने मना किया है? क्या हुआ माँ? ये सच है बेटा? नहीं माँ, नहीं, माँ से झूठ। नहीं, सच नहीं है, सच नहीं, सच नहीं, सच है माँ, सच है। लेकिन झूठ जो है माँ, झूठ ज्यादा है, सच कम है। मेरा मेरा प्रायश्चित हो चुका है माँ, मेरा प्रायश्चित हो चुका है। मिस्टर रघुवीर, माँ का ख्याल रखना। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। बेटा, मुझे अगर कुछ हो गया, नहीं नहीं, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। गाड़ी रोको माँ। भैया, माँ का मुंह ढांक गिर दिया।
क्या मेरी बहन तेरे भैया ने माँ की जान ले ली? कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है सत्य। आए भगत जी आए, आओ आओ धर्मात्मा, बहुत इंतजार करवाई धर्मात्मा। चर्चा हो रहा है तुम्हारे आजकल, बड़े मशहूर हुए हो। तुम्हारे ऑटोग्राफ लेने आया हूं, दस्तखत। दस्तखत ये क्या है? मैं किसी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूं रघुवीर, लेकिन अगर तुम समझते हो कि मैंने जिंदगी में तुम्हारे लिए कभी कुछ किया है तो तुम मेरे लिए इतना कर दो, सवाल ना पूछो, दस्तखत दे दो। भाई तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी जायदाद दे जाऊंगा? तुम कहते हो तुम एक शरीफ और इज्जतदार आदमी थे। जी हाँ। फिर भी तुम काला बाजार करने लगे? मुझे भड़काया गया था, मुझे पैसे का लालच दिया गया था, मेरी भूख और गरीबी का नाजायज फायदा उठाया गया था। साफ साफ कहो ये सब किसने किया? रघुवीर ने। और मैं अकेला इस आदमी का शिकार नहीं बना, शहर का हर भूखा मुफलिस इसके पंजे में आ गया और रोटी के दो टुकड़े देकर ये उनसे गैर कानूनी काम करवाने लगा। आज ये सफेद पोश रईस बनकर धोखा देता है और हम गरीबों को मुजरिम बनाकर अपना उल्लू सीधा करता है। तुम्हारा मतलब अब भी तुम काला बाजार रघुवीर के लिए करते हो? जी हाँ। और ये तुम्हें तनख्वाह देता है? जी हाँ। तुम काला बाजार किसके लिए करते थे? रघुवीर के लिए। रघुवीर के लिए? रघुवीर के लिए? रघुवीर के लिए? रघुवीर के लिए? तीन साल पहले आप बस कंडक्टर थे? जी। वहां से आप निकाल दिए गए थे? जी। क्योंकि आपने एक आदमी को भूसा मार दिया था? जी। और उसके एक ही साल बाद आपकी आमदनी 15-20 हजार महीना हो गई थी? जी। आपने कभी इस पर इनकम टैक्स दिया? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये पैसा काला बाजार से कमाया गया था। मेरा मुवक्किल अपने बचाव के लिए ये केस लड़ना ही नहीं चाहता और इसीलिए इस केस की तैयारी में उसने मेरी कोई मदद नहीं की, बल्कि उसने तो अपने आप को अदालत के सामने गुनहगार भी कबूल कर लिया है। क्या यही वजह काफी नहीं कि इस शख्स की सच्चाई और ईमानदारी को मद्देनजर रखते हुए इसके साथ अदालत जरा नरम दिली से पेश आए और इसे ज्यादा कड़ी सजा ना दे? थैंक यू। योर वर्शिप, भोले भाले गरीबों को जो पैसे का लालच देकर गुनाहों के फंदे में फांस ले, जो खुद लखपति बनने के लिए दूसरों से जुर्म करवाकर उन्हें कौड़ी का न रखे, अदालत का रहम क्या ऐसे आदमी के लिए होगा? ये गाय की खाल में छिपा भेड़िया, सफेद कपड़ों के भीतर एक गंदा मैला दिल छिपाए, ये जहरीला सांप जो देखने में खूबसूरत रस्सी की तरह है। देखिए योर वर्शिप, अच्छाई की आड़ में बुराई, सफेद बाजार की आड़ में काला बाजार, ये शैतान जो धोखा देने के लिए भगवान का रूप धारे हुए है, ये पाखंडी साधु, ये ढोंगी महात्मा जिसकी बगल में छुरी है और मुंह में राम राम, अर्ज हुई है कि इसके साथ नर्म दिली से बर्ताव किया जाए। जुर्म करने वाला चूंकि अपना बचाव नहीं करता,
और साफ अपने जुर्म को कबूल कर लेता है तो इसी से वो रहम का हकदार नहीं हो जाता योर वर्शिप। आज तक जो कानून को दगा देता रहा, अचानक आज वो शहीद बनने चला है। ये तो वही बात हुई कि 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। हमारा ही खून चूस चूस कर जो पलता रहा, अचानक आज वो अपना खून हमें दान करने चला आया है। कड़ी से कड़ी सजा अदालत अगर ऐसे आदमी को नहीं देगी तो और किसे देगी? योगेश, फैसला सुनने से पहले मुलजिम कुछ कहना चाहता है? आप बैठ जाइए। भैया, अब तुम अभी नहीं, तुम ही तुम हो हमारे। सत्या, क्या तू चाहती है कि तेरा भैया झूठ बोल के अपने पापों का बोझा और भारी कर ले? नहीं भैया, नहीं। रघु, मुझे माफ कर दो, तुम मेरी निगाहों में और इन सब की निगाहों में गुनहगार नहीं हो। अदालत में इस तरह बातें करना अदालत की तौहीन करना। यो वर्शिप, आप तक पूरी सच्चाई नहीं पहुंची है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है उसके लिए सही तरीके होने चाहिए। रघु, अपने लिए नहीं, इसे ले जाओ यहाँ से। मेरे लिए नहीं, इन सब की खातिर कुछ कहो रघु। क्या प्लीज रघु, एक मिनट के लिए बोलने दीजिए, सिर्फ एक मिनट के लिए प्लीज। बेटी, कुछ तो बोल रघुवीर, रघु कुछ तो बोल। गणेश के बच्चों की रसाई जीतने में थे, हमारी खातिर अपने आप को बचा ले रघु। रघु, अगर तू जेल चला गया तो हमारा क्या होगा? अभी तुम्हारा काम अधूरा है। अभी हमारा अदालत में बैठने का ये कोई तरीका है? एक एक आदमी को निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। मुलजिम से आखिरी बार पूछा जाता है, उसे कुछ कहना है तो ठीक है, अदालत का फैसला सुन लिया जाए। योर वर्शिप, फैसला सुनाने से पहले मेरी एक अर्ज सुन ली जाए। मेरा दावा है कि यह मुकदमा अभी मुकम्मल नहीं हुआ। चंद ऐसे सबूत मेरे हाथ लगे हैं जो इस मुकदमे पर नई रोशनी डालते हैं। आप किस हैसियत से बोल रहे हैं? वर्शिप, मैं मुलजिम का नायब वकील हूं। अगर रघुवीर को बचाते बचाते तुम में से कोई फंस गया तो? आप हमारी परवाह मत कीजिए साहब, आप किसी तरह भी रघुवीर को बचाइए। आप रघुवीर को बचाने की आप रघुवीर को बचाइएगा। तुम अपने आप को रघुवीर का नौकर बतलाते हो? जी, मैं उसके लिए काम करता हूं। इस सिलसिले में तुम्हें उसे रोज मिलना होता होगा? जी। मुलाकात कहाँ होती है? जी, हमारा एक अड्डा है। उस अड्डे का किराया तुम्हारा मालिक देता होगा? जी हाँ। और अगर मैं ये साबित कर दूं कि पिछले 6 महीने में उस अड्डे का किराया रघुवीर ने नहीं तुमने दिया है और पिछले 6 महीने से रघुवीर उस अड्डे पर गया भी नहीं तो? घबराने की कोई बात नहीं, मुमकिन है तुम उसे अड्डे पे नहीं उसके घर पे मिलते रहे। जी हाँ, घर पे मिलता रहा। जरा सा झूठ बोल गए। झूठ बोल गए? कचहरी में सच बोलने की कसम खाने के बावजूद तुम झूठ बोल गए। खैर, अगर तुम उसे घर पे मिलते थे तो घर का पता मालूम होगा। जी, मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव, बिल्डिंग का नाम भूल गए शायद? मंजिल तीसरी? तीसरी। तीसरी या दूसरी? तीसरी। फिर सोच लो। हाँ, शायद दूसरी। मेरी साड़ियों की दुकान है। साड़ियों की दुकान से पहले आप क्या करते थे? लगातार। और उससे पहले क्या करते थे? काला बाजार। और उससे पहले क्या करते थे? काला बाजार। यानी कि रघुवीर से मिलने से पहले आप काला बाजार ही करते थे? काला बाजार का आइडिया रघुवीर को मुझसे मिला था।
ये मेरे बाप दादाओं का धंधा है। ये बाप दादाओं का धंधा जो पुष्ट दर पुष्ट चला रहा है आपने छोड़ क्यों दिया? रघुवीर ने छुड़वा दिया हुजूर और सालियों की दुकान डलवा दी। अगर उसे सजा हो गई तो ये धंधा फिर से शुरू करना पड़ेगा। मैं भी रघुवीर के साथ काला बाजार करता था। सरकारी वकील साहब फरमाते हैं कि रघुवीर भोले भाले इंसानों को पैसे का लालच देकर गुनाहों के फंदे में फंस लेता। भोले भाले, रघुवीर से मिलने से पहले मैं एक चोर था और गुनाहों का फंदा कैसा, क्योंकि आज रघुवीर की वजह से मैं एक शरीफ और इज्जतदार आदमी बन सका हूं। मैं भी काला बाजार करता था, पर उससे पहले मैं एक जेब कतरा था। आज रघुवीर की वजह से मेरी एक घड़ियों की दुकान है। रघुवीर के साथ काला बाजार मैं भी करता था, लेकिन उससे पहले मैं एक बेईमान जुआरी था, लेकिन आज रघुवीर की वजह से मैं एक ईमानदार आदमी बन चुका। जिंदगी भर मैं गली के आवारा कुत्ते की तरह ठुकराया हुआ भिखारी था, रघुवीर ने मुझे एक इज्जतदार इंसान बना दिया। फसादों में चक्कू चला देना मेरे बाएं हाथ का खेल था, मगर आज रघुवीर की वजह से मैं एक नेक आदमी बन चुका हूँ। काला बाजार मैं भी करता था, और उससे पहले मैं घर में शराब बनाता था, लेकिन रघुवीर की वजह से मैं वो दोनों काम छोड़ चुका हूँ। अगर रघुवीर को 1 साल की सजा दी जाती है तो मुझे 1000 साल की सजा मिलनी चाहिए। रघुवीर ने हमें अच्छा आदमी बना दिया। रघुवीर ने हमें अच्छा आदमी बना दिया। सरकारी वकील साहब के वो फूलों जैसे अल्फाज अब तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। भोले भाले गरीबों को गुनाहों के फंदे में फांस ले, ऐसा ये जहरीला सांप जिसने इन सब लोगों को अच्छा बना दिया। कितना घोर पाप किया कि चोरों को चोर न रहने दिया, ज्वारियों को ज्वारी न रहने दिया, निकम्मे भिखारियों उचक्के शराबियों जलील दलालों की जिंदगी का रुख बदल दिया, उनको इज्जतदार ईमानदार आदमी बना दिया। बहुत बुरा किया। सरकारी वकील साहब चलाइए 50 और मुकदमे, ये लोग भी तो काला बाजार करते रहे हैं, इनको क्या हक है कि इस कचहरी में आकर सफेद पोशों की तरह बाइज्जत कुर्सियों पे बैठ जाएं। खड़ा कर दीजिए उनको मुजरिम के कटहरे में। सबूत चाहिए इनके खिलाफ, वो तो सब आके खुद ब खुद आपको दे गए, तो दे दीजिए इनको भी 2-2, 4-4, 6-6 साल की कड़ी सजा, ताकि सजा भुगतने के बाद जब ये जेल से बाहर आए तो आपकी दुआ से फिर से चोर, फिर से उचक्के, फिर से भिखारी, शराबी, कबाबी बन जाए, जाए जहन्नम में। योर वर्शिप, ये दुनिया तो ऐसी है कि यहां ईसा के लिए सूली, गांधी के लिए गोली, और अगर ऐसी दुनिया में बगैर तालीम का सहारा पाए कोई शख्स खुद ब खुद अच्छाई की तरफ बढ़ता है तो इसको करिश्मा समझना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं कि खुद बुरे रास्ते से हटना, औरों को भी हटाना, उन्हें हिम्मत देना, सहारा देना, दौलत देना, उनकी राहें रोशन कर देना, त्याग की मूर्ति बनकर एक आदर्श उनके सामने रखना। कितने हैं ऐसे योर वर्शिप जो कि अपनी जिंदगी में ऊंचे आदर्श रखते हैं, और कितने हैं ऐसे रघुवीर जैसे जो कि अपनी जिंदगी को अपने ही आदर्शों में ढाल लेते हैं। सफाई का हर लफ्ज धोखा है, मकसद से कोसों दूर आंसुओं को उभार कर तरस दिलाने वाला, ताकि हम गुनहगार के गुनाहों को देखने से इनकार कर दें और अपनी आंखें मूंद लें। अगर हम गुनहगार को ऐसी ही निगाहों से देखने लगे योर वर्शिप, तो क्या जरूरत है कानून की, अदालतों की, पुलिस की और सरकार की? हर बुरा आदमी सजा से बचने के लिए बस थोड़ी सी अच्छाई कर देगा, और जब कानून उसको पकड़ना चाहेगा तो वो यही दलीलें देगा जो अभी अभी हमने सुनी है। इंसाफ की आंखों पर पट्टी बंधी रहती है योर वर्शिप, ताकि वो कठहरे में खड़े इंसान की जिंदगी को, उसकी हैसियत को,
उसके नाम को न देखे, सिर्फ उसके जुर्म को देखे, और तलवार की धार की तरह साफ और सीधी उसकी सजा तजवीज करे। इंसाफ की आंखों पे पट्टी इसलिए नहीं बंधी होती कि बंधा हो जाए, बल्कि इसलिए कि फैसला वो देख कर नहीं तौल के करे, अच्छाई और बुराई को तौल के। जुर्म हर सूरत में जुर्म है, उसे किसी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता, चाहे बाद में वो कितना ही क्यों ना अच्छाई की ओढ़नी में छिपता रहे। छिपा हो तो जरूर पकड़ लीजिए, लेकिन अगर दिख चुका हो तो फिर सजा कैसी? जो काला बाजार करता है वो जरूर ही काला बाजारिया है, चाहे वो हजार ही सफेद बाजार क्यों ना खोल दे। यहाँ पर हम उसके अच्छे कामों का फैसला करने जमा नहीं हुए, उसे उसे गिरफ्तार किया गया है उसके गुनाहों के लिए, उस पर मुकदमा चल रहा है उसके गुनाहों के लिए, और उसे सजा भी होगी तो उसके गुनाहों के लिए, उसकी अच्छाइयों से हमें कोई सरवा नहीं। क्या मिला हमें उस भलाई से, उस सच्चाई से? जेल पकड़ना था तुम्हें पकड़ते तब, हम बुरे काम करते थे, बदला लेंगे हम इस कानून से, दिखा देंगे कि शरीफ आदमियों को सजा देने से क्या होता है, तबाही मचा देंगे शहर भर में, कैद हम सबको कैद, उन शरीफ आदमियों को कैद जिन्होंने खुद बहुत ईमानदारी के साथ आकर कटहरे में अपना जुर्म कबूल किया। क्या इस उम्मीद के साथ आए थे तुम कटहरे में कि कानून तुम्हें सच्चाई का खिताब देगा? शहीद बनने आए थे तुम? क्या सच बोल देने से तुम्हारे गुनाह मिट गए? क्या छिपे रहने से कानून से बचे रहते तुम जिंदगी भर? जिस कानून ने मुझे आज पकड़ा है तो तुम्हें नहीं पकड़ लेता, आखिर बुलाया किसने था तुम्हें कचहरी में? हम तुम्हें बचाने आए थे। मैं फांसी पर चढ़ा जा रहा था जो मुझे बचाने की जरूरत थी, अपने आप का फरिश्ता समझ लिया था तुम लोगों ने जो मुझे बचाने की ताकत आ गई थी तुम्हें। नहीं मेरे दोस्त, कोई और ही बात थी जो तुम्हें वहां तक खींच लाई, तुम्हारे दिलों में आत्मा की वो चिंगारी पैदा हो चुकी थी जिसने तुम्हें सच बोलने पर मजबूर किया, जिसने तुमसे काला बाजार छुड़वाया, जिसने तुमसे सफेद बाजार खुलवाया। और मैं तो कहता हूँ सफेद बाजार की भी जरूरत नहीं, उससे आने वाले पैसे की भी जरूरत नहीं, ऐसे हजारों सफेद बाजार फूंक जाए मुझे परवाह नहीं, जरूरत है उस चिंगारी की जो धीरे धीरे उस ज्वाला का रूप धारण करने वाली थी, जिसकी लौ में हमारी जिंदगी के बाकी दिन जगमगा उठते। इस जेल के अंधेरे में अपने गुस्से के जोश में मत पूछने दो इस चिंगारी को मेरे दोस्त, मत बनने दो रुकावट इस छोटी सी कैद को हमारे बुलंद रास्ते की। ये सजा हमें मुश्किल बनाने के लिए नहीं और ठोस बनाने के लिए है। मर्द की तरह आए थे तुम अपना गुनाह कबूल करने, दिखा दोगे सजा भुगतने के बाद भी तुम मर्द की तरह वापस जाओगे। Thank you.